हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जी, मैं हूं और ये हमारा सुल्तान भाई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर पर। तो वहां पर बॉर्डर पे जाकर ना हम आप लोगों को वहां पर बहुत कुछ दिखाने के लिए है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं। और आज का जो वीडियो है भाई वो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर जाकर ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, तो वो दिखाएंगे। तो ये हमारा पहला व्लॉग होने वाला है इस तरह के टॉपिक पे, तो लाइक ज़रूर कर देना है और पूरा देखना व्लॉग को। तो भाई चलते चलते जा रहे थे और रास्ते में हमें एक चीज़ मिली है, हमने सोचा भाई आपको वो भी दिखाता चलें। तो हमें मिला जी चावरा, तो चावरा बहुत ही खूबसूरत है, ये आप लोग सामने देख सकते हो। तो हम जा रहे हैं जी इसका थोड़ा सा आपको दीदार कराते हैं कि किस तरीके का चावरा है जी ये। इस तरह के चावरा ना रोही में ज़्यादातर पाए जाते हैं, राजस्थान वगैरह, लेकिन ये मैंने देखा है चावरे जहाँ तक ना मिट्टी के बने हुए, लेकिन ये नीचे से सीमेंट के बने हुए हैं। सीमेंट के बने हुए ये देखो, है ना, ये इसे चूना भी किया हुआ है रंग, और ऊपर से कुछ इस टाइप का है। एक बाबा जी भी है इधर, बाबा जी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद बाश। अच्छा, तो मोहम्मद बाश, ये किसका बनाया हुआ है चावरा, कौन रहता है इधर? हे पीर पगारे दा। अच्छा, इथे हूं ज़ारत कराई है। अच्छा अच्छा, ज़ारत ज़ारत कराई है, इथे आया जलसा थे आज तकरीर की थी। तो ये यहां पीर पगारा साहब हैं, तो वो यहां पर आए थे, तो एक बार यहां पर आए थे तो इस उसकी याद में ये बनाया गया, यहां पर उन्होंने ना तकरीर की थी। अच्छा, हर साल वो हर साल इधर आते हैं और तकरीर वगैरह करते हैं ना, तो यहां पर इसलिए ये बनाया गया है। यहाँ पर खड़े होकर वो तकरीर करते हैं, ये स्टेज बनाया गया है छोटा सा, और यहाँ पर आकर फिर आराम वगैरह करते हैं। तो अंदर से ये टूट चुका है, ये बांस थे क्योंकि बांस तो गल गए हैं, ये देख लो जी। और अंदर से कुछ इस तरीके का है, ये बांस का बना हुआ है और अभी तो गल चुका है, बहुत खूबसूरत था, लेकिन यहाँ से ना एक साइड गिर गई है। और ये इनकी भेड़ बकरियाँ हैं जो चरा रहे हैं जी इधर। चले भाई, चले जी। तो अभी हमारी मंजिल थोड़ी दूर है, तो हम जा रहे हैं जी। तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर बॉर्डर पर, तो आप लोगों को दिखाता है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो। और तो गाइस हम लोग इधर चोलिस्तान में घूम रहे थे, तो हमें ना एक चीज़ मिली है, तो हमने सोचा भाई आप लोगों को दिखा देते हैं, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है देखने में, तो और आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो यहाँ पर ना हमें वेपन्स मिले हैं, बहुत ही पुरानी ओल्ड तोपें हैं जो कि टूटी फूटी पड़ी है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, भाई साहब ये देख लो जी, बहुत ही पुरानी तोप है ये, और हमने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं जी। और इसकी कुछ चने वगैरह भी हैं, ये इसकी चने कुछ टूटी पड़ी है, ये देख लो। और ये कुछ नंबर वगैरह इस पर लिखे हुए हैं, इस तरह की हमें तोपे, ऊपर तो मिट्टी से भरी पड़ी है, ये देख लो। इंजन वगैरह भी लगा इधर इसका। हाँ, इंजन वगैरह भी लगा हुआ, इसके छोटे छोटे टायर हैं। तो हम इधर से गुजर रहे थे, हमें मिल गई, हमने कहा चलो व्लॉग में शेयर कर देते हैं। व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं भाई। ये देखो भाई, टूटी फूटी पड़ी सारी, पता कितने, बहुत ही पुरानी लग रही है, बहुत ज्यादा पुरानी, ये देख लो। ये इसके वो बैरंग वगैरह है। हाँ, ये बैरंग वगैरह है, बैरंग, और ऊपर इंजन है इसका, ये इंजन, ये इंजन है, ये इसका इंजन, और मिट्टी से भरी पड़ी है, बहुत पुरानी लग रही है। तो यहाँ पर कुछ और तोपे भी है, तो वो भी इसी तरीके से कबाड़ हुई पड़ी है, तो वो भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। अभी जा रहे हैं जी नज़दीक और वो भी दिखाते हैं। तो ये देख लो, एक ये इस तरफ है, और ये देख लो झाड़ियाँ वगैरह इसके ऊपर निकल आई है, ये भी बहुत ही पुरानी है, देख लो भाई लोहा बहुत ज़्यादा इसका जो है ना मजबूत है, और ये गोलियों के निशान लगे हुए हैं ना, ये गोलियाँ, ये देख लो जी, यहाँ बारीक बारीक गोलियों के निशान जो है लगे हुए हैं। और हम इसके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के देखते हैं, हम इसके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के देखते हैं भाई। तो इसके अंदर बैठते हैं, और ये गेयर वाला लीवर वगैरह ये है जी। तो अभी तो ये जाम हो चुका है, रंग लग चुका है ना, बहुत ज्यादा जाम हो गया है, तो ये लीवर वगैरह था, और ये मेरे ख्याल वो इंजन है, पता नहीं क्या चीज़ है, इंजन इस तरफ है, इंजन ये है। हाँ, इंजन ये का, ये इंजन है, इंजन, और इंजन भी टूट चुका है सारा, कबाड़ी हो गया है।
गाइस ये इंजन है, ये बहुत पुराने तोप है इधर, तो ये हरचंद भाई इधर खड़े हुए हैं, तो ये इसके गैर वगैरह लगे हैं। इधर से ड्राइवर बैठता है और इधर से सामने देखता है, और ये गियर्स ही देख सकते हैं आप। हाँ, ये गियर लीवर, ये बहुत जाम हो पड़े हैं, जंग लग गए हैं जंग। और इधर साथ ही मेरा बॉर्डर है, तो आगे ज्यादा दूर तक हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर इजाजत नहीं है, हमें जाना अलाउ नहीं है, तो ना हम क्योंकि एक प्राइवेसी होती है इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। और यहाँ नज़दीक नज़दीक ये बॉर्डर का एरिया है, तो हम लोग नज़दीक नज़दीक वीडियो बना रहे हैं। एक यहाँ पर ये भी तोप है जी, और हर तोप जो है ना एक दूसरे से टूटी फूटी पड़ी है यहाँ पर, ये देख लो जी, एक मिट्टी से ज़्यादा भरी हुई है, और इस पर भी गोली वगैरह का निशान है इस तरह की है ये। और ये चेयर है जी, इसकी चेयर पे ये इस तरह से टायर वगैरह जो होता है इस तरह से मजबूती से बनाए हुए हैं, और ये देख लो, ये पूरी पूरी ना तबाह हुई पड़ी है, ये भी गल गई है, बहुत लोहा बहुत मजबूत है इसका, लोहा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है भाई ये भी। और आगे भी दो पड़ी हुई है, बहुत सारी यूथ बहुत सारी है, लेकिन हम इतना दूर नहीं जाएंगे, और आगे वाली आप लोगों को जाकर दिखाते हैं। जो गाइस ये एरिया है ना, इसको मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना फौजी इलाका पड़ जाता है, हम तो वैसे ही यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए, तो सोचा ये भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए बोर्ड वगैरह लिखे हुए हैं कि भाई आगे नहीं जाना अलाउ नहीं है, और तो हम नहीं जा रहे क्योंकि आगे बॉर्डर है, और बॉर्डर के पास ही ये चीज़ें पड़ी हुई है ना, हम बना रहे हैं। हाँ ये देख लो, एक ये वाली तो पूरी तरीके से जो है तबाह हुई पड़ी है, ये कुट ये देख लो भाई, ये असल जो तोप के जो वो होती है नाली वगैरह इसके ऊपर लगी हुई, इंजन वगैरह कोई निकाल कर ले गए हैं, ये देख लो इसके इंजन वगैरह जो थे वो तो कोई निकाल के ले गए हैं, लेकिन और ये इसका गोला निकालने वाला तोप है। हाँ ये गोला निकालने वाला के बू जो होता है ये है, और ये गोलियों के निशान भी लगे हुए हैं, ये देख लो, ये बरी बरी आपको सब ये गोलियों के निशान नजर आएंगे यहाँ पर। और एक आगे वो भी पड़ी हुई है, वो भी आप लोगों को दिख रही होगी, ये यहाँ की जो इधर मकामी जड़ी बूटियाँ होती है ये है, ये फूल वगैरह इस तरह से बने हुए बहुत ही खूबसूरत है ये देखने में, क्योंकि इधर ये रोही के इलाके में ऐसी होती है, और ये बॉर्डर का ये एरिया सारा, हम इस वक्त ना बॉर्डर के ऊपर तकरीबन मौजूद है, बॉर्डर हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी यहाँ पर की गई है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी है, और यहाँ पर अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ और नया देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है एकदम से ना इसे निशान बना बना कर ये गोलियों के जरिए पर क्या चीज़ है, ये देख लो क्या हालात हुए पड़े हैं जी इसके, एकदम से तबाह हो चुकी है एकदम से, बहुत ही मजबूत ओल्ड है ना, बहुत पुराना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा मजबूत लोहा है, और ये अलग टाइप की है ना, वो किस्म की है, हाँ इसका डिज़ाइन और तरीके का है, ये एरिया देख लो गाइस पूरा का पूरा बॉर्डर का इलाका है, और आगे जो खेती बाड़ी उधर ट्रैक्टर वगैरह हल चला रहे हैं, खेती बाड़ी है, ज़मीन है उधर, और इस तरफ जो बॉर्डर पड़ता है तो वहाँ पर हम इस तरफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खेत वगैरह है तो यहाँ पर जा सकते हैं, ट्रैक्टर भी सामने हमारे चल रहा है, और इधर बहुत सारे लोग वैसे तो जानवर वगैरह चरा रहे हैं, बकरियां वगैरह अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, और क्योंकि लोग इधर आप घूम फिर रहे हैं क्योंकि इधर इजाज़त है आप घूमने फिरने की ना, इधर एक तो ज़मीन वगैरह लोग खेती बाड़ी करते हैं तो इसलिए भी लोग आते हैं, और दूसरी बात यह है कि बकरियाँ वगैरह अपनी चराते हैं तो इधर लोग घूमने फिरने भी आते हैं, इधर कोई डर वाली बात नहीं, टेंशन नहीं है, और इससे आगे जो है वो फिर प्राइवेसी का एरिया पड़ जाता है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को क्योंकि वहाँ पर जाना इजाज़त नहीं, अलाउ नहीं है हमें, और बॉर्डर क्योंकि नज़दीक पड़ जाता है ना, फिर वहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये इस तरह का एक रेगिस्तानी टिब्बा है जी। तो गाइस ये जो आबादी है ना, ये है जी एक कच्ची आबादी है, विलेज है, और यहाँ पर जो है तकरीबन सारे घर हिंदुओं के हैं, और अभी हमारे साथ है जी नरसिंह जी, तो आए नरसिंह जी से हम मिलते हैं। राम राम नरसिंह जी। जय श्री राम जी। तो यहाँ पर तकरीबन कितने हिंदुओं के घर होंगे?
तकरीबन 25-30 घर है यहाँ पर। 25-30 घर हिंदुओं के जी। तो अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पर तकरीबन हिंदू जो है वो गरीब है या अच्छी खासी हालत में है? बस कोई गरीब भी है, कोई अच्छे भी है। अच्छा अच्छा जी जी। तो हर यानी के जो हर विलेज में ना गरीब और अमीर तो होता ही है, लेकिन वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हर गाँव का एक सरबराह होता है। हमारे हिंदुओं में ना ये नरसिंह जी जो है इस गांव का सरबराह है, और उन्होंने ना गवर्नमेंट से ये गांव वालों को ना जो डर के लगवा कर दिए एनजीओ के थ्रू। तो जो एनजीओ है ना वो है जी ह्यूमन अपील, ह्यूमन राइट्स वालों की। और ये देख लो जी इस तरीके से ये नलके लगे हुए हैं, और इन्होंने इसके साथ साथ जो यहाँ के गरीब लोग हैं ना उनको रोज़गार के लिए, रोज़गार के तौर पर यानी कि बकरियाँ लेकर दी है बकरी, ताकि वो अपने बकरियों को चराए और काम कर सके और आगे रोज़गार कमा सके। और इसके साथ साथ इस तरह के नलके, ताकि रोहित इलाका है ना तो यहाँ पर पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो गरीब लोग हैं नलके तो लगवा नहीं सकते, आप खुद से तो लगवा नहीं सकते है ना। तो नरसिंह भाई ने ये नलके लगवा कर दिए, उसके अलावा एक कुआं भी उधर बनवा कर दिया है, तो हम उसका तो विज़िट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये नलके आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इसके अलावा बाथरूम की जो है अहम दिक्कत होती, तो बाथरूम बनवा कर दिए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे जितने भी हिंदुओं के गाँव हैं ना उनमें एक ऐसा सरबराह होना चाहिए जो कि अपने सारे हिंदुओं का ख्याल रखे और सबको मिलजुल कर एक साथ रखे। तो बहुत अच्छा लगा जी इनसे मिलकर, और हम इनके घर पे आए हुए थे अभी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग, तब तक बाय बाय।